तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद उस प्रोडक्ट का स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। दोस्तों स्टेटस मतलब वो प्रोडक्ट आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ है कि नहीं, शिफ्ट हुआ है कि नहीं, कब तक आपके पास वो प्रोडक्ट पहुँच जाएगा, या तो वो प्रोडक्ट आपके आसपास में कितना दूर तक आया है, ये सारा का सारा चीज़ आप बहुत ही क्लियर तरीके से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपना मोबाइल फ़ोन से। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिठू, आप देख रहे हैं टेक माइंड मिठू यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, और दोस्तों ओपन करने के बाद सिंपली आपको ये जो 3 लाइन वाला ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, सिंपली इस ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माई ऑर्डर सेक्शन वाला ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों इस जगह पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपने जितना सारा प्रोडक्ट को ऑर्डर करके रखे हैं सारा का सारा प्रोडक्ट आप इस जगह पर देख जाएगा। लेकिन दोस्तों जो प्रोडक्ट का स्टेटस आप देखना चाहते हैं सिंपली उस प्रोडक्ट पर आपको इस तरीके से एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए दोस्तों इस जगह से कुछ आपको स्टेटस दिख रहा है, जैसे कि आप देखिए कि ये जो प्रोडक्ट आपका ऑर्डर हो चुका है, शिप भी हो चुका है आउट फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी 5 नवंबर हो जाएगा, ठीक है 5 नवंबर तारीख को हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपके कितना दूर तक आया है आपके आसपास में? दोस्तों ये सारा का सारा चीज़ क्लियर तरीके से देखने के लिए इस जगह पर किसी भी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है इस पर किसी भी एक जगह पर क्लिक करना है। चलिए मैं शिप वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आप ये FMPC जो नंबर है इसको आपको सिंपली कॉपी करना है। चलिए दोस्तों मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो नंबर मैं कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपली और आपको इस जगह से कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से होम जाना है, ठीक है। होम जाने के बाद आप देखिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस जगह से क्लिक करके या तो आप उनमें किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली लिखना है कि ईकार्ट लॉजिस्टिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट लिख लेता हूँ। दोस्तों मैंने ईकार्ट लॉजिस्टिक इस जगह पर लिख लिया हूँ, लिखने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है, ठीक है। दोस्तों जैसे आप इस पर सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के वेबसाइट एक खुल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों सबसे पहले जो वाला वेबसाइट है ये है ईकार्ट लॉजिस्टिक का वेबसाइट, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद चलिए दोस्तों क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ईकार्ट लॉजिस्टिक का जो मेन वेबसाइट उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों ये है ईकार्ट लॉजिस्टिक का मेन वेबसाइट। दोस्तों इसके ऊपर देखिए आपको एक चीज़ दिखा दे रहा है, आपको एक बॉक्स दिखा दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर आपको वो चीज़ आपको पेस्ट करना है जो आपने कॉपी करके रखा था, ठीक है। सिंपली मैं उस चीज़ को इस जगह पर पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों पेस्ट करने के बाद देखिए तो साइड में आपको एक सर्च का ऑप्शन आपको मिल गया है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट का सारा स्टेटस इस जगह से दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा आपको इस जगह से दिक्कत होगा, जैसे दोस्तों मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर करता हूँ। दोस्तों ऊपर करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो ट्रैकिंग डिटेल्स है थोड़ा आपको कुछ कम दिखा दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए इस पेज का डेस्कटॉप मोड को आपको ऑन कर लेना है। दोस्तों चलिए दोस्तों ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन आपको ऊपर में दिख रहा है सिंपली इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे लिखा है कि डेस्कटॉप साइट, इस ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों ये जो पेज होगा ये डेस्कटॉप मोड पर चला जाएगा और आपका ये जो प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स इस जगह से सही से आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप इस जगह से देख सकते हैं आपका जो ट्रैकिंग डिटेल्स है इस जगह से शो हो रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट का ट्रैकिंग स्टेटस यानी कब तक आएगा आपके पास, कितना दूर आया है, ये सारा चीज़ को आप बहुत ही आसानी से इस ऑप्शन से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छा रहे, सुस्त रहे, अपना ख्याल रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।